जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ मैं आज आप सभी को ये वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उन सभी के लिए हम कल अपनी मुख्य पूजा में भगवान विष्णु जी से और माता मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर परिवार में, आपके जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 7 सितंबर 2019 दिन शनिवार, भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज नवमी तिथि रात्रि 9:22 तक रहेगी और उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, वो दोपहर 11:54 से लेकर 12:44 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:12 से लेकर 10:46 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। चलिए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके पितृपक्ष के किसी व्यक्ति की वजह से आपके अटके हुए काम बन जाएंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। आज आप अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु कार्य करने की कोशिश करेंगे पर आपके आसपास के लोग आपकी इंटेंशंस को भांप लेंगे और आपको एक मतलबी इंसान के तौर पर देख सकते हैं। आज आपको अपनी स्किन की केयर करनी है क्योंकि आज आप दांत, खाज, खुजली इत्यादि परेशानियों से चिड़चिड़े हो सकते हैं, इसलिए अपने पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। आज आपको अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। देखिए भक्तगणों, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि मुसीबत के वक्त सबसे पहले वही आपकी सहायता के लिए आ सकते हैं। आज आपको अपने पड़ोसियों को डिनर का न्योता देना चाहिए। आज खर्चे बढ़ने से आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। व्यवसायिक व्यक्तियों को आज अपने व्यापार में छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। आज सफेद गाय की सेवा करना आपके व्यापार में वृद्धि करेगा। आज मंदिर में रेता दान करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। तो चलिए अब जानते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपकी ड्रेसिंग सेंस आपके आकर्षण में वृद्धि करेगी
और आज आप यदि किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आज सभी लोगों पर आप एक बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन डालेंगे, जिससे आपकी सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी एकदम उत्तम रहेगा और सुबह उठते ही से ही आपको जोशीला और ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। आज आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और आप प्रसन्नचित होकर अपने कार्यों में रुचि ले पाएंगे। आज आपको जरूरत है कि आप यदि कोई भूल चूक करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करके सुधारें और दूसरे पर उसको मरने की कोशिश ना करें। आज आपके बड़े भाई के घर से आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध और दही दान करने से चंद्र देवता आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। आज आप मांस, अंडा या शराब का सेवन करने से परहेज करें। वृषभ राशि वालों, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है और आप अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिशि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए यदि आज आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन बहुत जल्दी पास हो जाएगी। आज शराब, मांस और मदिरा के सेवन करने से आप शनि देव जी को क्रोधित कर सकते हैं, इसलिए आज आप इन चीजों का परहेज करें। आज वर्क प्लेस पर आपको प्रतिकूल हालातों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आज आपका मन विचलित हो जाएगा और आप नर्वसनेस के कारण अपने कार्यों में रुचि नहीं ले पाएंगे। छोटी मोटी भूल चूक भी आज आपको भारी पड़ सकती है, जिससे आज आप अपने बॉस के गुस्से के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आज आप वर्क प्लेस पर अत्यधिक सावधानी बरतें और केवल अपने कार्यों पर ध्यान देकर उन्हें टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश करें। आज यदि आपका अदालत में किसी मुकदमे में फैसला आने वाला है तो यह फैसला आज आपके पक्ष में आ सकता है। खेतीबाड़ी के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को आज धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज आपको अंधे व्यक्तियों को लड्डू खिलाने चाहिए। आज नीम के पत्ते उबालकर पानी को ठंडा कर बोतल में भरकर रख लें, इससे आज आपके स्वास्थ्य में फायदा होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। पुलिस और सेना में भर्ती जवानों को आज अपना साहस दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे आज वे अपनी बटालियन का नाम रोशन कर सकते हैं। इससे उन्हें उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी और अपनी बहादुरी के लिए मेडल या पुरस्कार भी मिल सकता है। आज आपको रात में सोते वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुरे सपने आने से आज आपकी निद्रा भंग हो सकती है, जिससे आप सुबह उठकर चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज सोने से पहले मेडिटेशन अवश्य करें, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। आज यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार बना रहे थे तो अभी के लिए उसे टाल दें। आज यात्रा में कठिनाइयों की वजह से आपको तीर्थ यात्रा बीच में ही रोककर वापस आना पड़ सकता है। आज आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि आज जुबान फिसलने से लोगों को आपकी बातें बुरी लग सकती हैं और वे आपकी बेशर्मी से नाराज भी हो सकते हैं। आज नया वाहन लेने के लिए आपका दिन शुभ है। आज आपकी बहन की स्वास्थ्य बिगड़ने से भी आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। आज दूध और पानी के व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से अच्छा मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज आप हरे रंग के वस्त्रों को धारण करने से परहेज करें। यदि आपके घर में कोई टूटी हुई माला रखी हुई है तो वो आपको अशुभता प्रदान कर रही है, इसलिए आप उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज का दिन लोहे की मशीनरी का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए खास है। आज आपकी बिक्री बढ़ेगी, जिससे आज आप मुनाफा अधिक कमाएंगे। आज छोटे बच्चों को चोट फाट लगने का खतरा बना हुआ है, इसलिए उनके माता पिता को उनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज आपके ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को भारी बिजनेस लॉस हो सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति आज गंभीर हो सकती है। आज स्टूडेंट्स उनके अध्यापकों से प्रशंसा मिलेगी, जिससे उनका मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा। आज वर्क प्लेस पर हालात आपके लिए अनुकूल रहेंगे
और आज आपको अपनी मेहनत के लिए बॉस से बोनस या इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। यदि आप नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन शुभ है। आज डॉक्टर्स को उनके मरीज जल्दी ठीक करने के लिए आभार प्रकट करेंगे, जिससे उनको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। आज आपके परिवार के किसी व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो जाने से आपको उनसे मिलने जाना हो सकता है। आज गले में चांदी की चेन धारण करना आपके लिए शुभ होगा। आज आप दुर्गा माता की उपासना करके उनसे आपके कष्टों का निवारण करने की मनोकामना मांगें। सिंह राशि वालों, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी आमदनी कम है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा और आज आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आज शेयर मार्केट में आपके स्टॉक्स की वैल्यू अचानक बढ़ जाने से आप मालामाल भी हो सकते हैं। आज सरकारी कर्मचारियों को उनके ट्रांसफर उनकी मनचाही जगह पर हो जाने से खुशी मिलेगी। आज धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक समारोह में भाग लेने से आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। परंतु आज आपके गृहस्थ जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ कलह होने से आज आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आज आपको जरूरत है कि आप अपने पार्टनर के साथ तोल मोल कर ही बातें कहें और एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दें। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है और छोटी छोटी बातों पर आपका अपने पार्टनर से मन मुटाव हो जाता है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपके संबंधों में मजबूती आएगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, धर्म कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज दूसरों की प्रगति देखकर आप ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं, जिस कारण भगवान द्वारा बख्शी हुए सुखों का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। सरकारी नियम कायदों में बदलाव से आज आपको अपने व्यापार में हानि हो सकती है। आज आपके शत्रुओं का बल भी बढ़ जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाने की वे कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आज आप अत्यधिक सावधानी बरतें। आज आपके ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपके घर मेहमान बनकर आ सकता है और आपको मनचाहो उपहार भी दे सकता है। आज आपको अपने पितृपक्ष की वजह से भी धन लाभ हो सकता है।
आज अपनी माता जी की सेवा करके आशीर्वाद पाने से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। छात्रों का मन आज पढ़ाई में ना लग पाने के कारण वो विचलित हो सकते हैं। आज इजी सवालों में सिली मिस्टेक्स करने से आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है और आपका कॉन्फिडेंस भी इससे डाउन हो सकता है। यदि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है या बार बार मेहनत करने के बाद भी उनके एग्जाम से नंबर कम आते हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपकी अपनी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और जो भी एग्जाम्स आप अपने जीवन में देंगे उनमें हमेशा अव्वल से अव्वल नंबर लेकर आएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए आप जानते हैं कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। छात्रों के विद्या अध्ययन काल में आज कोई भी बाधा नहीं आ पाएगी और आज वे अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई में रुचि ले पाएंगे, जिससे आज छात्रों को अपने परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा और वे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी समझ पाने में सफल होंगे। नौजवान युवकों और युवतियों का यदि विद्या अध्ययन काल पूरा हो गया है तो आज उनके घर वाले उनकी शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। आज गैस, बदहजमी या पेट के अन्य विकारों के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिससे आज आपका मन अपने कार्यों में नहीं लग पाएगा और आपकी एफिशिएंसी भी आज अफेक्ट होगी। आज बैंक में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन खास है। आज आपको अपने प्रमोशन की खबर प्राप्त हो सकती है या आज आपको कोई बोनस या इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। यदि आप बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आज का दिन शुभ है। आज अय्याशी करना युवकों को भारी पड़ सकता है और आज इससे उनके परिवार के मान सम्मान को ठेस भी पहुंच सकती है। आज अपनी माताजी से किसी बात पर मनमुटाव होने पर आप उन्हें लौटकर जवाब ना दें, अन्यथा आप भाग्यहीन हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है। आज रक्तचाप गिरने से आपके हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ सकती है। आज वर्क प्लेस पर जाते वक्त आपके वाहन में खराबी आ सकती है, जिससे आज आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और वाहन की मरम्मत के कार्य में आज आपका धन और समय दोनों नष्ट होंगे। आज प्रॉपर्टी की डील करने के लिए भी दिन शुभ नहीं है। आज आपकी केयरलेसनेस की वजह से आपसे गलतियां अधिक होंगी, जिससे आज आपका आत्मविश्वास गिरने लगेगा और आप खुद पर डाउट करने लगेंगे। अपने व्यापार को चलाए रखने के लिए आप पर जो कर्ज का बोझ बढ़ रहा है वो भी आज आपकी मानसिक चिंताओं में इजाफा करेगा, इसलिए आज आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना चाहिए और अपनी परेशानियों को उनके साथ शेयर करके उनसे राय लेनी चाहिए। उनके साथ आज वक्त बिताने से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप और मेहनत से परेशानियों से जूझने के लिए मोटिवेट होंगे। आज आप रात्रि को दूध ना पिए। आज केसर का तिलक माथे पर लगाना भी आपके लिए शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं या आपके धन प्राप्ति में देरी हो रही है तो आपको आज इस उपाय को निश्चित तौर पर करना चाहिए। उपाय के अनुसार किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में जाएं और अपने साथ एक नारियल लेकर जाएं। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने नारियल को अपने सिर पर 7 बार फेर लें। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का जप करते रहें। सिर पर फेरने के बाद नारियल हनुमान जी के सामने फोड़ दें। इस उपाय को करने से यदि आज आप कोई इंपॉर्टेंट कार्य करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं
या ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी आप अपनी पढ़ाई के संबंध में करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन शुभ है। आज ये इन्वेस्टमेंट निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई में आपकी सहायता करेगा। आज आपके ताया जी या चाचा जी के घर से भी आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज आपको अपनी फिजूल खर्ची पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि आप अपना पैसा ऐसी चीजों में व्यर्थ कर देते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। आज आपके गृहस्थ जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा और आज अपने पार्टनर की दिल की बात समझकर आप उन्हें खुश कर देंगे। आज आपको उनके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आना चाहिए और उनको चौंकाना चाहिए, इससे आप दोनों के संबंधों में मदद आएगी। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के लिए भी आज का दिन अत्यंत शुभ है। आज आपसे ज्यादा पेशेंट्स मिलने आएंगे। आज पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से आपके व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज दमे के रोगियों की चिकित्सा के लिए किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में डोनेशन देने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों में जी जान से मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों की आज चांदी हो जाएगी, क्योंकि आपको आज कस्टमर्स अधिक मिलेंगे और मुनाफा भी खूब आपको कमाने का मौका मिलेगा। परंतु ज्वेलर्स के लिए आज का दिन शुभ नहीं होगा, आज उनका व्यापार मंदा ही रहेगा। आज यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चलकर आपकी ये इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना रिटर्न देगी। आज विवाद में आप जिस भी पक्ष का साथ देंगे उस पक्ष का पलड़ा भारी हो जाएगा। परंतु छात्रों की स्टडीज में आज बाधाएं आएंगी और आज डिफिकल्ट सवालों के चक्कर में आप अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं। आज आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहिए और नए सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने से परहेज करना चाहिए। आज आपकी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिससे आज आपको डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आज सफेद कुत्ते की सेवा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व पानी से भरा बर्तन अपने घर या ऑफिस के बाहर रखें। कुंभ राशि वालों, अपनी संतान प्राप्ति में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि मीन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका परिश्रमी स्वभाव वर्क प्लेस पर आपको सभी लोगों की प्रशंसा का पात्र बनाएगा और आपके बॉस भी आज आपसे प्रभावित होकर आपको कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी का आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यह आज आपकी करियर ग्रोथ में काफी मददगार साबित होगी। आज आपका गुस्सा बढ़ने से आप हर किसी से लड़ने के लिए उतारू रहेंगे, जिस कारण लोग आज आपसे दूर भागेंगे। इसलिए आज आपको अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेडिटेशन करने की जरूरत है, इससे आप अपनी एक्सेसिव एनर्जी को सही दिशा में चैनल कर पाएंगे। आज धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेने से भी आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। आज दांतों में दर्द से आप परेशान रह सकते हैं, जिससे आज आपको डेंटिस्ट के पास जाने की नौबत भी आ सकती है। आज फर्नीचर या लकड़ी के अन्य उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को अपने व्यवसाय में घाटा हो सकता है। आज माँ दुर्गा की उपासना करके उनसे आशीर्वाद मांगें। आज काले कुत्ते की सेवा करना भी आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। क्या आप परेशान हैं? तो आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा मंत्र सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित जेम रिंग्स, रत्नों की अंगूठियां, ब्रेसलेट या लॉकेट अवश्य पहने। संपर्क करने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर या हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर डिस्कस कर सकते हैं।